हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मिल्टन वाज बोर्न इन 1608, ही वाज बोर्न इन लंदन एंड डाइड इन 1674। हाउ डिड टीएस एलियट कंसीडर मिल्टन्स पोएट्री नॉट सीरियस पोएट्री? सो टीएस एलियट ने मिल्टन की पोएट्री को नॉट सीरियस पोएट्री कंसीडर किया हुआ है। जॉन मिल्टन न्यू 10 लैंग्वेजेस, जॉन मिल्टन 10 लैंग्वेजेस जानते थे। इन 1638 वाइल इन फ्लोरेंस मिल्टन मेट गैलीलियो। जब ये फ्लोरेंस में थे 1638 में, तो मिल्टन गैलीलियो से मिले। होम डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट? सबसे पहले इन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की थी। हाउ ओल्ड वॉज मिल्टन एट द टाइम ऑफ मैरिज? 34 एंड हिज वाइफ वॉज 17। द नेम ऑफ हिज फादर वॉज ऑल्सो जॉन मिल्टन। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ यूलोजाइज्ड मिल्टन लंदन 1802? मिल्टन वॉज सुपर्बली इगोइस्टिक इन हिज पोएट्री। वॉट काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वॉन्ट टू राइट इन हिज लाइफ? किस प्रकार की पोएम मिल्टन लिखना चाहते थे अपने जीवन में? विच द वर्ड वुड नॉट लेट डाई? नेक्स्ट है इन हिज सोनेट, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउज सेंट। मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकेंड वाइफ। एरियोपैगिटिका बाय मिल्टन वॉज पब्लिश्ड इन 1644। सो एरियोपैगिटिका मिल्टन के द्वारा 1644 में पब्लिश किया गया है। और एरियोपैगिटिका अटैक्स ऑन सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, इट फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड? सेंट पॉल्स स्कूल। और विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड? इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज अटेंड किया था, और स्कूल कौन सा अटेंड किया था? सेंट पॉल्स। उसके बाद है, व्हाई डिड मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन इन 1665? टू एस्केप फ्रॉम द प्लेग। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? 3 times मिल्टन ने 3 times शादी की थी। हाउ ओल्ड वॉज मिल्टन वेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? जब इन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी है, तो ये 21 ईयर के थे। वॉट इज द नेम ऑफ द फॉलन एंजल हुम सैटन एड्रेसेस फर्स्ट इन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट? सो मिल्टन ने अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट में सबसे पहले किस फॉलन एंजल को का नाम बताया है जिसे सैटन एड्रेस करता है? वो बीलजेबब है। अगला है हमारा, हु रोट अ ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? हेनरी मॉर्विल। दिस पोएम वॉज यूज एज अ प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन सोनेट्स नंबर्ड 24। मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखा है। मिल्टन रोट हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स? 18। इन्होंने 18 इंग्लिश सोनेट्स लिखे हैं और 6 लैटिन सोनेट्स लिखा हुआ है। हु सेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्ड्स, श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन? सो ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोली गई है। विच सोनेट ऑफ मिल्टन एंड्स विद द लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट वेन आई कंसिडर हाउ माई थॉट इज स्पेंट? वॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन सोनेट वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट? इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? मिल्टन ब्लाइंडनेस है। विच पोएट डज मिल्टन इमुलेट? वर्जिलैन, होमर, लिसिदास। बाय मिल्टन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एलिजी के फॉर्म में लिखी गई है। और मिल्टन्स पोएम लिसिदास वॉज रिटन फॉर अ फेलो राइटर एंड फ्रेंड हु डाइड नेम्ड एडवर्ड किंग। सो लिसिदास जो इन्होंने अपने फेलो राइटर और फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी है। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश इन 1667 में और कम्प्लीट हुई थी कब? ये 1665 में। What two great influences worked upon the literary career of Milton? The spirit of Renaissance and Reformation. Who said the style of Paradise Lost is lofty and exalted and shows the influence of Latin writers? Lewis. Milton's early poetry is lyrical. When the Civil War broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against King Charles I. He supported Oliver Cromwell. By 1652 Milton was completely blind. 1652 तक में ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे। Who
who made the rhymed version of Paradise Lost, Dryden. Name John Dryden's work about the fall of man based on Paradise Lost, The State of Innocence. Who described Milton as an acrimonious and surely Republican? किसने describe किया हुआ है Milton को? Dr. Samuel Johnson ने Milton को as an acrimonious or surely Republican describe किया हुआ है. John Milton received his master's degree from Cambridge University. से इन्होंने master degree receive की है. Milton was an official servant at the court of Oliver Cromwell. Which book of Milton was from the story of Samson in the Old Testament? Samson Agonistes. What is the meaning of Milton's work Samson Agonistes? इसका मतलब wrestler होता है. What was particular about Milton's studious nature since his childhood? From 12th year he scarcely went to bed. By faith Milton was Protestant थे ये. Paradise Regained by Milton was published in 1771 में Paradise Regained पब्लिश हुई है. Which book of Milton was about the temptation of Christ? Paradise Regained. Comus by Milton is a mosque. What kind of work was Areopagitica? It was a kind of tract. In which book of Paradise Lost does the fall of Adam and Eve take place? Book 9th. Who said about Milton, thy soul was like a star and dwelt apart? Wordsworth ने बोला है. अगला है, who was the literary titan of 17th century? John Milton. Who was the greatest prose writer of the age of Milton? Francis Bacon. When Milton became blind, who kept writing for Milton? जब ये blind हो गए थे तो किसने इनके लिए लिखा हुआ है Milton के लिए? उनकी daughters ने. Milton's wife and daughters are also rebelled at the task of reading to him and writing his thoughts when he was blind. Yes, it is true. Milton was a royalist. It is false. Paradise Regained by Milton consists of how many books? 4 books. Milton died of kidney failure. Milton was poet, prose, polemicist and civil servant. Milton's father was a musician and composer. Musician थे और composer थे. Milton died at the age of 65. Name the only contemporary figure mentioned in Paradise Lost. कौन से contemporary figure Paradise Lost में mention किए गए हैं? Galileo. Milton's Samson Agonistes is written on the model of Greek tragedy. जो Milton का Samson Agonistes है ये Greek tragedy के model पे लिखा गया है. Milton's literary period is divided into 3 periods में divide किया गया है. Who wrote the life of John Milton? A.N. Wilson. Who said, who overcomes by force hath overcome but half his foe? Milton ने बोला है. How much did Milton get for Paradise Lost? इन्होंने 5 pound पाया है Paradise Lost के लिए. Who wrote Tenure of Kings and Magistrates? Milton. Milton championed the absolute freedom of the individual. Milton wanted to write an epic that was equal to the greatness of Homer's and Virgil's. What does Milton use throughout Paradise Lost? क्या use किया है? Blank verse. The events described in Paradise Lost are drawn from the Bible, mostly its book of Genesis. Who wrote the sonnet to the nightingale? Milton ने लिखा हुआ है. The age of Milton had what 3 kinds of poets? Metaphysical, Cavalier और Puritan. Who calls Milton God gifted organ voice of England? Tennyson. Who says about Elizabethan period, a noble and pleasant nation rousing herself like a strong man after sleep, shaking her invisible locks? Milton ने बोला है. इसके बाद Milton wrote this book which is based on the theme of Jesus temptation in the wilderness. So Milton ने कौन सी book लिखी है जो based है किस theme पे? Theme of Jesus temptation in the wilderness, that is Paradise Regained. When Milton speaks in Paradise Lost of a second Adam, he means Christ. What is the meaning of Areopagitica? इसका मतलब free press होता है. Areopagitica का मतलब free press होता है. Who accused Milton of callousness to intrinsic nature of English? F.R. Lewis ने किया है. Who wrote on Reaching the age of 23, Milton ने लिखा हुआ है.
इसके बाद है इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री यूलिसी दास द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क एल एलिग्रो इज इनका जो वर्क एल एलिग्रो है इसका मतलब हैप्पी और चीयरफुल होता है एंड द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सेकेंड पेंसोरसो मतलब पेंसिव एंड इलमैन होता है द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसोरसो आर टेकन फ्रॉम किससे लिया गया है जो टाइटल है म्यूजिकोलॉजी दिस टू पोएम्स आर ऑल्सो कॉल्ड हिज ट्विन पोएम्स हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू ड्राइडन ने बोला है इन विच आर्ट मिल्टन एक्सेल्ड हिज Since his childhood, besides poetry, music, the longest book in Paradise Lost is book 9th है वो सबसे ज़्यादा सबसे लंबी बुक है Who is the most active angel in Paradise Lost? Michael. How many fallen angels are there in Paradise Lost? 7. Who wrote the sonnet on his deceased wife? Milton ने लिखा हुआ है A novelization of Paradise Lost has been published. Yes. Milton is buried at Chalfont, St. Giles, De Doctrine Christiania by Augustine cast a doubt on the orthodoxy of Paradise Regained, who said sonnet in Milton's hand becomes a trumpet. Wordsworth ne bola hai. What is the stated subject of Paradise Lost? Adam and Eve's disobedience. What does Milton name as his heavenly muse? Urania. An MP took what to Parliament in 1667? Paradise Lost. Who wrote the doctrine and discipline of divorce? Milton ne likha hua hai. Who said Milton was of devil's party without knowing it? William Blake ne bola hai. Iske baad hai, what is Milton's stated purpose in Paradise Lost to justify the ways of God to men who leads Adam and Eve out of paradise in Paradise Lost Michael the subject matter in Paradise Lost is universal jo bhi subject matter hai wo universal hai which poem called Milton's stature as a poet to be recognized Paradise Lost who said Milton was the poetical son of Spenser Dryden ne bola hua hai Who described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? किसने describe किया हुआ Paradise Lost को the dream of Puritan fallen asleep over his Bible? Lamartine ने बोला है the Paradise Lost is called the last great Elizabethan poem. Yes, it is true. Okay, friends, thank you so much.